मैं शैला ताहिर, चेयरपर्सन नगर पालिका परिषद नवाबगंज डिस्ट्रिक्ट बरेली से। आज मैं आप लोगों को अपने ट्विटर के माध्यम से कुछ बताना चाहती हूँ। नवाबगंज में एक प्रशासनिक अधिकारी SDM द्वारा मेरा लगातार मानसिक उत्पीड़न हो रहा है। मुझे इतनी मानसिक उत्पीड़ना झेलनी पड़ रही है जिस कारण मैं अस्वस्थ हो गई हूँ, मैं बीमार हो गई हूँ, मेरा BP बढ़ गया है। SDM साहब नगर पालिका में आके मेरी ही कुर्सी पे बैठ के उल्टे सीधे फैसले लेते हैं, जबकि मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, उनको मेरी कुर्सी पे नहीं बैठना चाहिए। ये किसी एक्ट में नहीं है, किसी अधिनियम में नहीं है, किसी कानून में ऐसा नहीं है कि आप अध्यक्ष जो है एक जनप्रतिनिधि महिला की जाके कुर्सी पर बैठें और मुझे हटा देते हैं वो, और मेरी चेयर पे खुद बैठ के सारे उल्टे सीधे फैसले लेते हैं। मैं ही नहीं, उनसे पूरी नवाबगंज की जनता बेहद परेशान है। चाहे यहाँ वो व्यापार मंडल के लोग हों, व्यापारी लोग हों, सब उनसे ज़्यादा बहुत बुरी तरह से त्रस्त हैं, पूरी जनता उनसे त्रस्त है। एक महिला होने के नाते वो मेरा जितना मानसिक हरेसमेंट कर रहा है, मुझे जितना टॉर्चर कर रहे हैं, जो मैं झेल रही हूँ, ये सिर्फ मुझे ही पता है। और बोलते हैं कि मैं अपने सामने किसी महिला को नहीं बैठने दूंगा। ये एक सोच उनकी जो है, ये मुझे नहीं पता कि वो क्या सोचते हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये अनुरोध करना चाहूँगी, ये निवेदन करना चाहूँगी कि वो अपने प्रशासनिक अधिकारी की इस हरकत को संज्ञान में लें कि एक महिला को वो इतना क्यों परेशान कर रहे हैं। वीडियो वायरल हुआ है शैला ताहिर जी का, उन्होंने आप पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया, क्या कहेंगे आप और किस तरीके का प्रताड़ित करने का आरोप लगा रहे हैं वो? देखिए, जो चेयरपर्सन के द्वारा जो आरोप लगाए जा रहे हैं मुझ पर, वो बिल्कुल निराधार, बेबुनियाद और झूठे एवं मनगढ़ंत हैं। ये नगर की जनता जानती है कि पिछले 2.5 वर्षों से नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, और अगर नगर का विकास कार्य नहीं हुआ है तो इसके पीछे केवल चेयरपर्सन की हठधर्मिता, उनकी उदासीनता, उनकी जनता के प्रति असंवेदनशीलता है। वो नगर पालिका में उपस्थित नहीं रहती हैं और न ही नगर पालिका के विकास, नगर के विकास में उनकी कोई रुचि है। बिल्कुल झूठे आरोप हैं उनके, और वो केवल मुझको दबाव में लाने के लिए इस प्रकार का अनर्गल आरोप कर रही हैं और अनर्गल प्रचार कर रही हैं। दबाव में लाकर आपसे काम करा लेना चाहती हैं? दबाव में लाकर के जो उनका मुख्य उद्देश्य है कि जो पिछले फर्जी पेमेंट हैं, उन्होंने जो पिछले फर्जी काम करवाए हैं जिनका कहीं कोई रिकॉर्ड हमारी नगर पालिका में नहीं है, और ना ही वो धरातल पर कहीं कोई काम हुए हैं, उनके पेमेंट के लिए अनावश्यक वो मुझ पर दबाव डालने का प्रयास कर रही हैं, बल्कि वो मेरा मानसिक उत्पीड़न कर रही हैं इसके द्वारा। और मैं इसकी शिकायत उच्चाधिकारियों को करूंगा और उच्चाधिकारियों के माध्यम से शासन को इसकी शिकायत करूंगा। कितना जानना चाहेंगे, जिस तरह से उन्होंने वीडियो में कहा है कि SDM साहब कुर्सी पर बैठ के एक तानाशाही रवैया अपना रहे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नगर पालिका नवाबगंज के कार्यालय में चेयरपर्सन और EO के बैठने के लिए एक ही कक्ष है जिसमें 2 कुर्सियां हैं। आप लोग भी देख सकते हैं कि उनकी कुर्सी साइड में रखी हुई है जिस पर वो चेयरपर्सन की कुर्सी है, और मैं EO की कुर्सी पर ही बैठ करके अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहा हूँ।